बचपन में हर किसी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि दूसरे अपने बड़ों से तमीज़ से बात करो और हम छोटों से उन्हें प्यार करो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होके भी ये समझ नहीं पाते हैं, या फिर बचपन में तो समझ जाते हैं लेकिन बड़े होके भूल जाते हैं। उन सभी बच्चों के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। एक बार एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जो काफ़ी गुस्सा करता था। गुस्से की वजह से लड़का अपने माता पिता को जो भी मन में आता वो बिना सोचे समझे बोल देता। लड़के के पिता लड़के की इसी बात से काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन पिता लड़के के पास गया और कहा, तुम इतना गुस्सा करते हो। लड़के ने फिर पिता को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पिता मुस्कुराए क्योंकि उन्हें अपने बेटे को सुधारने का हल मिल गया था। अगले दिन लड़के के पिता लड़के को अपने साथ बाहर लाए और कहा, तुम्हें पता है एक खेल ऐसा है जिसमें मुझे आज तक कोई नहीं हरा सकता। लड़के ने कहा, ठीक है मैं आपको हरा सकता हूँ कोई भी खेल हो। लड़के के पिता ने कहा, सोच लो अगर मैं हार गया तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन अगर तुम हारे तो वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। लड़के ने कहा, ठीक है मंजूर है मुझे। पिता लड़के को एक सुंदर सी दीवार के पास ले गया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, बस इस दीवार के पास आकर एक कील ठोकनी है। पिता लड़के को एक और दीवार के पास लेकर गया और कहा, अब जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं इस दीवार पे कील ठोकूंगा, देखते हैं किसकी दीवार में ज़्यादा कील आखिरी में मिलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है मंजूर है मुझे। अगले दिन ही लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए दीवार पर पहले दिन ही उसने 20 कील ठोक दी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए, लड़के की आधी दीवार कीलों से भर गई। लेकिन 5वें दिन लड़के ने एक बात समझी कि जितनी मेहनत वो गुस्सा करने में करता है उससे दुगनी मेहनत उसे कील ठोकने में करनी पड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उसने पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और अब तक लड़का गुस्सा करना पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर लड़का अपने पिता के पास गया और बोला, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मैं कील कैसे ठोकूं, अब ये खेल में हार गया। लड़के के पिता ने जवाब दिया, नहीं अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ, अब जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए तब तुम दिन के आखिरी में उस दीवार पे से एक कील निकाल देना। लड़के ने कहा, ठीक है। अगले दिन लड़के को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, लड़के ने जाकर उस दीवार पे से एक कील निकाल दी। ऐसे ही हर एक दिन के आखिर में लड़का जाता और दीवार पे से एक कील निकाल देता। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि दीवार पर एक भी कील नहीं बची। लड़के ने ये सब अपने पिता को बताया। लड़के के पिता ने ये सब देखा और खुश होकर बोला कि तुम्हें ये खेल जीत गए हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लड़के ने अपना मन पसंदीदा खिलौना मांगा, लड़के के पिता ने उसे वो खिलौना ला कर दिया। फिर लड़के के पिता लड़के को लेकर उस दीवार के पास गए जो उन्होंने अपने लिए चुनी थी और कहा था कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं इस दीवार पर एक कील ठोकूंगा। जब लड़के ने उस दीवार को देखा तो वो हैरान हो गया क्योंकि वो दीवार पहले की तरह सुंदर थी। लड़का ने सवाल पूछा, आपने इस दीवार पर कील क्यों नहीं ठोकी। लड़के के पिता ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे गुस्सा आता ही नहीं। लेकिन ये बात बताओ कि तुम्हारा दीवार और मेरी दीवार में क्या फ़र्क है। लड़के ने कहा, आपकी दीवार सुंदर है और मेरी दीवार में कई सारे छेद हैं जिससे कि वो गंदी दिख रही है। लड़के के पिता ने कहा, यह तुम्हें एक सीख मिलती है, अगर तुम किसी को बुरा कहोगे या हद से ज़्यादा कुछ गलत कहोगे तो उनके मन में भी ऐसे ही घाव हो जाएंगे जैसे कि तुम्हारी दीवार में है। इसलिए सबका सम्मान करो, अपने मन को भी साफ रखो और दूसरे के मन में अपने लिए इज्जत बनाओ। मेरी सुंदर दीवार यही बताती है कि मैं सब लोगों मेरी इज्जत करते हैं और मैं सब लोगों की इज्जत करता हूँ।